हेलो फ्रेंड, तारा किचन में आप लोग का स्वागत है। आज चिकन टिक्की बनाने वाले हैं। ये सब सामग्री है। ये चिकन है, कीमा 250 ग्राम है, प्याज मिर्ची धनिया पत्ती हरा मिर्ची और प्याज टमाटर कटा हुआ है, ये आरा रोट है, थोड़ा बेसन है, ऑरेंज कलर है, चिकन पाउडर है, ये नमक है, ये चाट मसाला, ये काला नमक, ये जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन जीरा का पेस्ट है, आलू उबाल कर इसको मैश किए हैं, 1 कप ऑयल है, चिल्ली केचप है, विनेगर है, टमाटो केचप। अभी 250 किचन चिकन डाल रहे हैं, इसको उबाल कर रखे हैं। एक कप आलू उबाल कर मैश कर रखे हैं, मैशा हुआ आलू भी डाल देते हैं। आरारोट है, 1 कप आरारोट भी डाल देते हैं इसमें, 2 चम्मच बेसन, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट है, जीरा का 1/2 कप, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर थोड़ा गोल्की पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच ऑयल इसमें डाल देते हैं। डाल देते हैं चिकन मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, थोड़ा हल्दी पाउडर ऑरेंज कलर, ये 2 प्याज काट कर रखे हैं, ये डाल देते हैं, टमाटो कट के रखे हैं 1 छोटा साइज का, हरी मिर्ची धनिया पत्ती, इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। देखिए इसी तरह से बना लिए हैं। इस तरह से सब बना कर रख लेंगे। इसी तरह से सब बना लेंगे। कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं, गर्म हो गया है, ऑयल डालते हैं, गैस को कम कर देते हैं।
से इसको डाल देते हैं। दूसरी तरफ पलट लेंगे, दो मिनट लगता है पकने में, दो मिनट में पक जाता है। चिकन कीमा टिकिया बनकर तैयार हो गया है।